हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। इट्स 8:10 PM और यहाँ से हम लोग दिल्ली से निकलने वाले हैं ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है और हमारे साथ पूरी ग्रुप है। मैं मिलाता हूँ अपने ग्रुप के 3 लोगों से, 2 लोग और अभी है लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है। सो मीट, फोटोग्राफी चल रही है भाई सब अभी। ओके, ये है प्रिया, प्रिया सिन्हा, और इधर हमारे दोस्त सम्राट एंड समायरा। यस, दो लोग और भी हमारे साथ हैं, वो अभी मॉल में शॉपिंग करने गए हैं। थोड़ी सी शॉपिंग बाकी, हमारा कैब बस आने वाला है। जैसे ही हमारी कैब यहाँ पे आ जाएगी उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो आई थिंक ये और 20-25 मिनट की बात है, उसके बाद यहाँ से हम लोग दिल्ली से निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश पे हमारी बहुत सारी प्लानिंग है, मैं इस ब्लॉग के अंदर सब कुछ डालूंगा। और 31st का जो काउंटडाउन होगा, 1 जनवरी जैसे ही आएगी, हम सब इस शाउट आउट करेंगे। अब देखना ये है कि वो 250 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कितने देर में तय हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर हमने सुना है कि 4 से 5 घंटे लग जाते हैं 4-व्हीलर से जाने में। और अगर ट्रैफिक ना रहे तो हम लोग 8 बजे के बाद अगर निकलते हैं तो शायद 3.5 घंटे पहुंच जाए। लेट्स सी क्या होता है। तभी हम लोग बीच में रुके हुए हैं कहीं पे और यहाँ पे CNG ले रही है हमारी गाड़ी। और जैसे चलने के लिए ईंधन चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है इंसान, वैसे ही गाड़ी के लिए। देखो यार पीछे ऐसे में चलाया मतलब। तो ठीक है, हमारे दोस्त सारे कांप रहे हैं धीरे धीरे। ओके, थैंक यू सीज गाइस, कम ऑन, दिस इज आवर वैन। सारे बैठ गए, बस मैं बाकी था, मैं बैठ जाता हूँ। आओ चलते हैं लॉन्ग ड्राइव। गाइस, हम लोग ऋषिकेश अभी नहीं पहुँच पाए हैं, अभी हम लोग बीच में ही है या थोड़ा सा आगे हैं, बीच से आगे। तो अभी क्या है कि -30 डिग्री में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये प्लेस पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी प्लेस है, बस बहुत ठंड लग रही है। लेकिन बस 1 मिनट बाकी है न्यू ईयर होने में, यानी 2022 हम लोग घुसने वाले हैं, एंटर करने वाले। तो हमारे सारे दोस्त यहाँ पे हैं, मेरा फोन शेक हो रहा है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 8:48 और हम ऋषिकेश में हैं। ऋषिकेश में मैं अपने टेंट में हूँ अभी, जस्ट जगा हूँ क्योंकि रात में हम सो नहीं पाए थे। करीब 2 बजे पहुँचे थे ऋषिकेश, उसके बाद हम यहाँ पे करीब 4-4:30 में सोने की कोशिश करने लगे और पता चला कि 5 बजे तक सोए। तो 5 बजे के बाद ये 9 बजे तक जाग जाना, यू नो, बहुत कम स्लीप है। लेकिन एक्साइटमेंट बहुत है। आज की जो पूरे दिन की जो कार्य प्रणाली है वो ऐसे है कि हम नदी पार करने वाले हैं, जंगल में जाने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। और अभी यहाँ हम लोग टेंट से निकल रहे हैं, आई मीन सारे फ्रेंड्स मेरे निकल रहे हैं बारी बारी से, मैं उनको भी दिखाऊंगा। बट जो माहौल है भाई साहब टेंट के अंदर वो थोड़ा वार्म है और बाहर आने के बाद कूल है। हालांकि धूप छनते हुए आ रही है इधर जंगलों के बीच से, ये दिखा सकते हैं। और ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, अभी सुबह में हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे किस चीज़ के पेड़ है और क्या खूबियाँ हैं इनकी। पर ये बहुत कमाल के लग रहे हैं, स्ट्रेट सारे ट्रीज़ हैं और इन सब के बीच हमारा जो टेंट लगा है, हमारा जो सेटअप है, मैं अच्छे से दिखाऊंगा सबको। दोस्तों यही है जिसकी हमें तलाश थी। मुझे लगता है इससे ब्यूटीफुल प्लेस कोई हो ही नहीं सकता। और जैसे कि आपने देखा कि हमारे जस्ट सामने नदी है और टेंट सारे लगे हुए हैं, और इसके बाद इस नदी को क्रॉस करेंगे हम लोग और जाएंगे जंगल में। कम ऑन, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। हालांकि ब्रश नहीं किया अभी किसी ने भी, शायद 1-2 लोगों ने कर लिया पर अपन ब्रश नहीं किया। और
आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मुझे आपके टाइटल से लगा था। सो यहाँ पे क्या स्पेशल है, लाइक अगर बात करें उत्तराखंड की या फिर ऋषिकेश की पर्टिकुलरली? ऋषिकेश को तीर्थ नगरी बोलते हैं। ओके। एक ज़माने में जितनी भी चार धाम की यात्रा होती थी, ओके, वो सारा ऋषिकेश धर्मशाला पे ही बसा हुआ है। सारे अच्छा जी, रजवाड़ों में बहुत सारी धर्मशालाएँ मिलेंगी आप, जो मार्केट है बड़ी वो सारी धर्मशालाओं में। क्या बात है। तो ये तीर्थ यात्रियों के लिए करके थे फर्स्ट होगा। ठीक है ठीक है। बाकी गंगा है, गंगा ये और सौंग ये है। ये कौन सी नदी है? सौंग नदी है। सौंग नदी है 5 किलोमीटर में जाके गंगा मिल जाती है, 5-10 किलोमीटर। अच्छा, ये सौंग नदी है जो 5-10 किलोमीटर जाके आगे और गंगा में मिल जाती है। अब हम लोग किसी दूसरे एक्सपर्ट को पकड़ेंगे जिन्होंने हमें बुलाया है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्लेस पे क्या स्पेशल है। Let me find a guy. गुड मॉर्निंग कैप्टन। कैसे आप? सो भैया, अपन इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए आपको आए हैं। सो गाइज, अभी हम तरुण प्रताप सिंह जी के साथ हैं जो हमारे कैप्टन हैं, और आज हमें यही गाइड करने वाले हैं कि हमें जंगल में कहाँ जाना है, कहाँ पे पिकनिक बनानी है और कौन सी नदी को कैसे पार करना है। आई मीन सौंग नदी, राइट? सौंग नदी। तो इस प्लेस के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे आप। अगर हम इस खास ऋषिकेश की एक जगह के बारे में बात करें तो क्या खासियत है यहाँ पे? लाइक हमने देखा कि बहुत सारे पेड़ यहाँ पे हैं, एक ही तरह के पेड़ हैं। तो आपने जिस जगह पे अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं, पर्टिकुलर ये विलेज का नाम है चिद्दरवाला। हाँ, ठीक है। और जिस जगह पे आपने यूकेलिप्टस के पेड़ देखे हैं, इस पेड़ को लगाने का एक रीज़न है क्योंकि ये पेड़ ना बहुत ज़्यादा पानी सोखते हैं। ओके। जब केदारनाथ में हुआ, जब फ्लड इशू हुआ था, तो उस टाइम पे ये काफ़ी एरिया दलदली हो गया था। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे यूकेलिप्टस काफ़ी डेंस लगाए हैं ताकि जोन को हम अच्छा कर सकें। मतलब ये वाला एरिया भी अफेक्टेड था उससे? बिल्कुल। आप जो रिवर का देख रहे हैं, पहले फ्लो जो था वो अपनी तरफ से ही था जिधर से हम लोग हैं अभी, देन उस फ्लड के बाद से ये रिवर का फ्लो चेंज हुआ है। ओके। तो ये है, और जगह तो बहुत प्यारी है, ये सुंदर भी है। माशाल्लाह, पहाड़ों में हमेशा से बेहतरीन पॉसिबिलिटी है और इस जगह पे तो और भी ज़्यादा। राइट राइट। जब चिद्दरवाला में हम लोग एंटर कर रहे थे तो यू नो लोकेलिटी, फिर गांव जैसा कुछ माहौल था, उसके बाद हम लोग अंदर घुसे। आई थिंक 5 किलोमीटर अंदर तो होगा ही चिद्दरवाला। गूगल मैप 1.8 किलोमीटर था, बट मुझे लगता है 2 किलोमीटर तो है ही। बिल्कुल, वो काफ़ी अंदर हम लोग आए थे। तो गाइज, अभी बहुत कुछ चिद्दरवाला में देखना बाकी है, जानना बाकी है। हम लोग जिस गांव में जाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करा। हम लोग गांव में नहीं जाएंगे। हाँ, बेसिकली हम लोग सौंग रिवर जैसे ही क्रॉस करेंगे तो राजा जी नेशनल फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, ठीक है। तो हम लोग इस फॉरेस्ट ट्रेल में ही एक्सप्लोर करेंगे। गवर्नमेंट परमिट के अकॉर्डिंग हम सभी को अलाउड है, स्पेशली लोकल्स को अलाउड है कि हम लोग सिर्फ 5 किलोमीटर रेंज तक ही जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें परमिट चाहिए होती है। ओके। गवर्नमेंट ने कहा है कि 5 किलोमीटर तक आप अंदर जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। यस। और ये फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट चेंज भी होते हैं या जोन टू जोन चेंज होते हैं। जैसे कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे तो कोई भी नहीं एंटर कर सकता फॉरेस्ट में, यहाँ पे है। तो हम जाएंगे ज़रूर, बट कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे और सेफली वापस आएंगे। ग्रेट। तो मेन जो हमारा होगा, जैसे आज जो हमारे भी रिवर है अभी प्रेजेंट में, उसका वेस्ट लाइन तक हाई मतलब है उसका फ्लो, तो गहराई ही कह सकते हैं। तो हम उसको एक अपना ह्यूमन चेन बनाएंगे, देन उसको क्रॉस करेंगे, छोटी प्यारी सी एक्टिविटी, और देन उसके बाद हम लोग फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे। गोइंग इनटू द रिवर? या After crossing the river, okay, we will insert into the Rajaji National Forest. So, forest में exactly कैसे survive कर सकते हैं, उसकी जो basics हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। Amazing. तो हमारे captain बहुत ही cool है, बहुत ही amazing है. He's holding 14 years of experience, you know. तो अभी अपन बहुत enjoy करने वाले हैं. It was nice talking to you. और आप हमारी video में अक्सर ही दिखेंगे, क्योंकि अभी आपको guide करना है कि कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं.